सभी दर्शकों का किसानों के डिजिटल अड्डा किसान ऑफ इंडिया में बहुत स्वागत है। तो आज हम मौजूद हैं ड्रोन फेस्टिवल ऑफ इंडिया में और हमारे साथ अमन जी जुड़े हैं जो कि वीपी हैं एग्री बाज़ार के। तो एग्री बाज़ार एक ऐप है, तो ये ऐप कैसे किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगी इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि इस ऐप में क्या क्या फ़ीचर्स हैं अमन जी से जो इसको खास बनाती है। अमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सो एग्री बाज़ार एक एग्री टेक प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम किसानों को पूरी एग्री वैल्यू चेन में अलग अलग तरह की सुविधाओं और सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ पर हम किसान को इनपुट और फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड के जरिए से लोन दे रहे हैं। हम किसानों के लिए एक इनपुट स्टोर लेके आए हैं जहाँ पर हम अपने वेंडर्स के साथ कोलैबोरेट करके उनको उर्वरक है, बीज है, खाद है, ये सारी प्रोवाइड करवा रहे हैं उनके डोर स्टेप पे। हमारा एक एडवाइजरी का प्लेटफॉर्म है एग्री भूमि जहाँ हम किसानों को सलाह देते हैं कि उन्हें क्या फसल अपनी मिट्टी में लगानी चाहिए, मिट्टी की हेल्थ कैसे मेंटेन करेंगे, क्रॉप की हेल्थ कैसे मेंटेन करेंगे, क्रॉप में अलग अलग उर्वरक की कितनी रिक्वायरमेंट है, कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाएगा उसे, यूरिया अगर मार्केट में मौजूद नहीं है तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट में कौन सी दूसरी खाद को वो प्रयोग में ला सकते हैं, इस प्रकार से फिर हम उनको आउटपुट की सेल में भी मदद देते हैं। जी, तो अमन जी ये काफ़ी मतलब अच्छा है कि उनके हर अलग अलग फ़ीचर्स मिलते हैं। अब हम कुछ स्पेसिफिक फ़ीचर्स की बात करते हैं कि जैसे एक उनके लिए होता है मंडी का रेट जानना, तो मंडी रेट किस तरीके से वो आप उसमें उनको इनपुट मिल रहा है और कौन कौन सा उसमें स्टेट्स और कौन कौन से उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व है जिसका आप मंडी का उनको बता पा रहे हैं। हम लगभग मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरी इंडिया में पूरी तरह से मौजूद है और हमारी ऐप पर आप मंडी भाव को लाइव ट्रेस कर सकते हैं। किसान हमारी ऐप पर रजिस्टर कर सकता है और डेली मंडी के रेट को अपडेट होते हुए देख सकता है। जी, और इसके अलावा और कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे कि वेदर से रिलेटेड होती है या क्या क्रॉप रोटेशन में एडवाइजरी चाहिए होती है, तो उसमें आपके पास कोई ऐसे साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं तो आप कैसे उनको ऐसे मदद कर रहे हैं? हम केंद्र भारत सरकार है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं, इन सभी के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। हमारी अपनी एग्रोनॉमिस्ट और कृषि वैज्ञानिकों की टीम भी है जिनकी मदद से हम किसान को वेदर की एडवाइजरी यानी वर्षा कब मिलेगी, उसे कैसे उसको अपनी लैंड को तैयार करना है, कब उसको उसमें बीज बोना है, कैसे कितना पानी देना है, कितना उर्वरक देना है, ये सारी ही जानकारी क्रॉप एडवाइजरी के थ्रू डे टू डे बेसिस पे हम किसान को ऐप के जरिए से देते हैं। उसको नोटिफिकेशन मिलता है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करके वो देख सकता है कि आज उसको क्या करना है, क्या कृषि पद्धति आज उसको लेनी है, कैसी हेल्थ है उसके क्रॉप की, कितनी ग्रोथ स्टेज पे पहुंच गया है, उसका सॉइल मॉइस्चर ठीक है या नहीं, क्या इरिगेशन की ज़रूरत है, मॉइस्चर स्ट्रेस प्लांट के अंदर कैसा है, कंटेंट सारे मैनेजमेंट न्यूट्रिएंट का ये सब मेंटेन्ड है या नहीं, तो पूरी कृषि पद्धतियों की सारी ही जानकारी हम नोटिफिकेशन के माध्यम से अपनी ऐप के जरिए से किसान को दे रहे हैं। जी, और एक मुझे जानना था कि मैं यहाँ पे पढ़ रहा था कि केसीसी के बारे में इन्होंने आपने केसीसी भी एक लॉन्च किया है जिसका कार्ड, तो वो आप किस तरीके से देख रहे हैं कि किसानों को, क्योंकि गवर्नमेंट का भी किसान क्रेडिट कार्ड है, तो क्या आप रजिस्ट्रेशन में हेल्प कर रहे हैं, किस चीज़ में आप हेल्प कर रहे हैं और बाकी जो एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं उसको भी आप रजिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा। जी, तो हमारी ऐप पे रजिस्टर होता है, वो हमारी ऐप पे बस एक बटन पे क्लिक करके लोन अप्लाई कर सकता है, फिर हमारा फील्ड एग्जीक्यूटिव उसको मिलकर उसको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेगा, उसकी लिमिट बना देगा और उसको लोन प्रोवाइड हो जाएगा। ये बहुत आसान, एक बस क्लिक का दूरी पे है किसान हमसे लोन लेने के लिए। जी, तो और कोई अन्य आपकी ऐसी सुविधाएं जो किसान भाई फ़ायदेमंद हो सकते हैं उनके लिए, वो आप हमें बता दीजिए, जैसे कि वो ऐप डाउनलोड करें तो उनको वो पूरा अनुभव मिल पाए खेती का जिस जानकारी का उनको कभी कभी अभाव रहता है। सो प्रिसीजन फार्मिंग हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है जहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे किसान प्रिसीजन फार्मिंग की तरफ मोटिवेट हो, जिससे जो हमारी रिसोर्सेज है जैसे पानी है या सॉइल की उपजाऊ ज़मीन है हमारी, ये सब हम मेंटेन कर सके इकोसिस्टम को, सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ अप्रोच हमारी है। तो किसान अगर हमसे जुड़ता है तो वो डेली ही पानी और हर तरह की रिसोर्स को बचाते हुए मैक्सिमम यील्ड लेने के लिए
बेहतर से बेहतर हम उसको एडवाइजरी देंगे, तो इसलिए वो हमसे जुड़ सकता है बेसिकली। तो मतलब मेन जो मोटिव है वो यही है कि बेहतर किसान है तो आपको जानकारी होनी चाहिए, और वो जानकारी आपको एग्री बाज़ार पर मिल सकती है, तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो जानकारी हमने जो इसमें पूरा वीडियो में बात करी उसको आप समझ सकते हैं कि कैसे वो आपके लिए मददगार होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसी अलग अलग ऐप्स के बारे में आपको बताते रहेंगे जो आपके लिए किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो आज के लिए बहुत ही धन्यवाद आपका। किसान ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं, और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।